आधा से ज़्यादा करीब मांसें निकल गई थी मेरी, पाँव के लकीरें बन बन के। दो बार बापूजी मेरे सामने खड़े हुए देख रहे थे, मुझे इतना दर्द हो रहा था फिर भी मैं पाँव सीधा करके खड़ा था कि बापू देखे नहीं। अब आप सोचिए कि पाँव नहीं रख पा रहा था मैं, उसके बावजूद बापू बोले इतने को अकेले निकालना है सारी। मैंने कहा नहीं बापू, नहीं बैठूंगा। मैं भी जिद पकड़ लिया। फिर बोला तिलौरी में नहीं बैठेगा, चल मेरे कंधे पर बैठ। अकेले बापूजी वहाँ से खींच के ले गए। उसके बाद में भी सुरेशानंद जी आए, जब धक्का देने के लिए बोले सुरेश तू छोड़ दे, तू नहीं करे कुछ, नहीं कोई नहीं छुएगा लॉरी को, मैं ले जाऊंगा अकेला। ऐसा गुरु का प्रेम बहुत विरलों को नसीब होता है। जब बापूजी आने वाले थे 3 दिन पहले, उसके पहले मेरे पाँव में चोट लग गई थी। तो हम लोग क्या रात को जीप गाड़ी थी अपने आश्रम में, तो धक्का दे के स्टार्ट करने गए, तो पाँव में मेरे कैसे लगा, जब गाड़ी को धक्का दे रहे थे तो हम साइड में थे, सभी भाइयों ने बोला कि तू पीछे आ जा। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं होगा, पर क्या हुआ कि अचानक मेरे पाँव गाड़ी के नीचे चला गया और मेरे पाँव फिसल गए, और ये साइड वाला पाँव जो राइट साइड का है इसमें पूरे गिट्टी से गड़ गया रोड पे, और आधा से ज़्यादा करीब मांसें निकल गई थी मेरी, पाँव के लकीरें बन बन के। तो गाड़ी वाले भाई और पहले चल चिकित्सालय चलती थी, तो वो सारे लोग आ करके और मुझे उठा के ले गए, पर फिर भी मेरे अंदर ऐसा हुआ कि नहीं मैं स्वयं जाऊंगा आश्रम में। तो जब आश्रम में स्वयं गया तो उसके बाद में दो बहनें थे जो ये तो रोने लगे, फिर इनको बाद में भाइयों ने बोला कि कोई बात नहीं इसको कुछ नहीं होगा, ये चले आए। उस दिन की तो बात हो गई, पर दूसरे दिन मुझे दर्द से इतना हो रहा था कि मतलब रोनी इतना रो रहा था अंदर कि कुछ, मतलब भाई सारे लोग बोले कि भाई क्या करें बोल। हमने कहा कि कुछ मत करो अभी, एक बार तो मेरे को ऐसे ही छोड़ दो। तो सभी ने बोला हॉस्पिटल चलते, मैंने कहा नहीं जाना है मुझे। फिर सभी भाइयों ने बोला कि चल मालिश से लगा दे, मैंने कहा नहीं मुझे अकेला छोड़ दो। तो दर्द के कारण नहीं रो रहा था मैं, मेरे को अंदर ये रोना आ रहा था कि गुरुजी के जो आने वाले थे 3 दिन पहले वो सेवा नहीं कर पा रहा था, उसकी मेरे को इतना पीड़ा हो रही थी कि अपने आप को धिक्कार रहा था कि अब मेरी लापरवाही के कारण मेरी सेवा छूट गई। और उसका ये हुआ कि बापूजी तीसरे दिन जब आए तो गेट से जैसे अंदर आए, गेट से अंदर आते ही बापूजी अपने भी गार्डन शायद नहीं है, थोड़ा बिल्डिंग के सामने ही गार्डन था पहले, तो वहाँ पे बापूजी आए। मैं 5 नंबर रूम में सामने ही था बिल्डिंग में ही। उसके बाद में बापूजी ने फिर बोला मुझे यहाँ बैठना है, फिर बापूजी बोले कि चलो लाओ कुर्सी यहीं बैठूँगा। तो भाइयों लोगों ने लाया कुर्सी, बैठाया वहाँ, बापूजी बैठे, सत्संग किए। फिर बापूजी बार बार रूम में देखते रहे, मैं 5 नंबर में था, मैं डर के मारे ये नहीं निकल रहा था इसलिए कि बापूजी बोले कि ये कैसे लगाया क्या लगाया पूछेंगे। तो फिर मेरे मन में हो रहा था कि लापरवाही से लगी है मेरे, तो फिर बताऊंगा फिर बापू नाराज़ होंगे, इस कारण मैं बाहर नहीं निकला। फिर बापू वापस कुटिया पे चले गए वहाँ से। फिर अपने जीतू भाई थे पहले जो अपने बापूजी का गाड़ी चलाते थे, तो मैं रास्ते में जब जा रहा था तो मेरे को देख के बोले कहाँ जा रहा है, मैंने कहा सेवा करने जा रहा हूँ, सारे भाई सेवा कर रहे, तो सारे लोग सेवा कर रहे थे। तो मैं जब वहाँ कुटिया पे गया तो मुझे वापस कर रहे थे, नहीं नहीं जाओ बापू डांटेंगे, सबको डांटेंगे। फिर भी मैं गया, और इस तरफ जो बापूजी का कुटिया के साइड का लाइन है क्यारे हैं, तो उस तरफ मैं जाके पाँव इस साइड में घुमा लिया मैंने ताकि बापू को दिखे नहीं, बापू राउंड पे थे। फिर बापूजी राउंड लगाते हुए और दो बार बापूजी मेरे सामने खड़े हुए देख रहे थे, मुझे इतना दर्द हो रहा था फिर भी मैं पाँव सीधा करके खड़ा था कि बापू देखे नहीं। फिर बापूजी वापस कुटिया में गए। फिर वापस बापूजी कुटिया से बाहर आके बोले, गेती एक हाथ में लेके खुदाई कर रहा था, बापू बोले अरे गेती वाला इधर आ। तो सारे भाई देखने लगे कि ये किसको बापूजी बुला रहे हैं। फिर वापस बापूजी ने बोला मैं नहीं देख रहा था। फिर बापूजी बोले अरे गेती वाला सुनता नहीं है इधर आ। फिर बापूजी ने ऐसी 2-3 बार आवाज़ लगाई, सब जने देखा विजय भाई आपको बुला रहे हैं। फिर मैं वापस नहीं देखा, मैंने कहा बापूजी बुलाएंगे फिर डांटेंगे। तो ऐसे करके बापूजी 3-4 बार बोला, वापस बोला अरे काला सुनता नहीं है तू। बाद में फिर बोले इधर आ जा। मैं जी आया, बोले तेरे को अच्छा गेती चलाने आता है। तो मेरे क्या उस समय भाव एकदम इतना उसमें था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मैंने कहा जी अच्छा चलाने आता है। उसके बाद में फिर बापू ने बोला आ जा इधर। वो अपने किसी ने देखा होगा सबने, पहले बापू कुटिया किनारे किनारे वो मेहंदी लगी थी पीली वाली, तो बोले ये तेरे को सारे निकालना है तुझे और मेरे सामने निकालना है। अब आप सोचिए कि पाँव नहीं रख पा रहा था मैं, उसके बावजूद बापू बोले तेरे को अकेले निकालना है सारी। फिर मैंने कहा जी निकाल लूँगा। फिर बापू जी ने धोती बांध के वहीं खड़े हो गए, बोले चल निकाल मैं देखता हूँ। तो गेती तो ले ली, फिर निकालने लगा तो दर्द के कारण धीरे धीरे खोद रहा था वो मिट्टी। फिर बापू बोले ला ला चल छोड़ तेरे से नहीं होगा। फिर बापू खुद छीन लिया, मैंने कहा नहीं बापू मैं खोद लूँगा, बोले चल ले दे मेरे को दे।
फिर वापस मैंने गेती दे दी बापू, जबरदस्ती लेने लगे तो फिर बापू जी ने थोड़ा खोदा चारों तरफ से, फिर बोला देख ऐसे खोदना है, समझा? मैंने जी। फिर बोले अब तू छोड़ दे पकड़, दोनों तरफ से बापू ने, मैं एक तरफ से पकड़ा, बापू जी ने एक तरफ से पकड़े हेज, और हमने बाहर निकाला। फिर बापू बोले देख ऐसे, बापू जी ने दाढ़ी पर हाथ फेरते बोला देख निकल गया ना बाहर, चल अब दूसरा करते हैं। ऐसे तीन चार बापू जी निकलवा, फिर मैं घुटने पर बैठ के बापू से प्रार्थना किया कि बापू जी मैं निकाल लूँगा, आप रहने दीजिए। फिर वापस बापू जी ने बोला कि नहीं नहीं तू थक जाएगा अकेला, तीन चार लड़कों को बुला ले। तो अपने वकील साहब यहाँ हुए शायद, तो उनका बेटा था, नाम था उसका मधु, तो पास में था, तो उसको मैंने बुलाया आ जा। फिर दस भाई लोग करीब दौड़ के आ गए, तो मेरे मुँह से यूँ निकल गया कि भाई दिखावा नहीं करना है, सेवा करनी है। फिर बापू जी प्यार से बोले हाँ बेटे सेवा करनी है, हाँ दिखावा नहीं करना, चलो चलो सुरेश का सत्संग चल रहा है, सब पंडाल में जाओ। फिर बाद में बोले कि तू ये काम कर, इनको लेकर सब निकलवा दे। वापस फिर बापू जी कुटिया में चले गए, हम हेज निकाल ही रहे थे। उस दिन पूरी दिन हमारी सेवा चलती रही। फिर बापू ने अपने हाथों से जितने भाई थे, मुझे पहले प्रसाद दिया बापू ने, बुलाया शाम को, बोले कि आजा प्रसाद देता हूँ तुझे। फिर बापू ने कुटिया से अंदर से प्रसाद लाए, कुछ बर्फी थे और एक सेव एप्पल था। वापस बापू ने मेरे को देखे बोले खा, तो मैं खाया रहा था पूरा का पूरा बर्फी, तो बोले क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा खा पक्षी की तरह, कैसे खाते पक्षी? मैंने जी थोड़ा सा खाया। फिर बोले तू अकेले खाएगा, अपने गुरु भाइयों को नहीं खिलाएगा? तो मैंने कहा जी बापू, तो मैं अपना प्रसाद देने लगा। बोले ये रहने दे, मैं देता हूँ, तू रहने दे, सबको बुला। तो ये करीबन अपने भोपाल सागर से भी कुछ भाई लोग थे, सभी जाने थे, सबको बापू ने बोला लाइन लगवा। तो ऐसे ही से 75 लोग सभी लाइन लगाया, सबको बापू ने अपने हाथों से प्रसाद दिया। हाथों से प्रसाद देने के बाद में सब लोग अपने अपने मतलब कि सेवा छोड़ करके और पंडाल में चले गए सभी लोग। फिर वहाँ से बापू जी बोले एक काम कर, तू भी सारा सामान समय उठ के और तू जा पंडाल में। तो हम सारे जा रहे थे और एक भाई अपने कृष्णा भाई थे, तो 7 से करीब 7:30 लगभग हो गया था शाम को। फिर बापू जी ने वापस अंदर चले गए कुटिया में, और हम और कृष्णा भाई वो सब सामान उठा रहे थे, अपनी लोहे की लरी अभी टूट गई है, आश्रम में पड़ी हुई डबोगा आश्रम में, तो वहाँ पर सभी सामान हम लोग भर रहे थे। फिर बापू जी अंदर से निकले कुटिया से बाहर और आए, अरे तू गया नहीं अभी तक? तो मैंने कहा जी वो लरी लेके जाना है, सामान पड़ा है। अच्छा अच्छा चल चल चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। फिर बापू जी ने एक तरफ पकड़ लिया, एक तरफ मैं पकड़ा। फिर मैंने कहा जी हम लेके चले जाएंगे। तो कृष्णा भाई ने बोला बापू जी इसके पैर में लगा, ये मान नहीं रहा, तो जी ये इसको बापू आप बोलिए। फिर बापू अरे हाँ तेरे तो पैर में लगा, तो ये काम कर तू ऊपर बैठ जा, चल लरी पे बैठ जा। मैंने कहा नहीं बापू मैं नहीं बैठूंगा। फिर बापू बोले अच्छा चल नीचे उतर, दिखा। नहीं साइड में था, बापू बोले इधर साइड में दिखा तेरा पाँव, दिखा। फिर बापू जी को मैंने दिखाया पाँव, बोले अरे इतना सारा लगाया तूने, मेरे यहाँ सेवा में तो नहीं लगाया? मैंने नहीं बापू मेरी लापरवाही से लगाया। फिर बापू जी ने बोला कि रुक जा देखने दे मेरे को। बापू ने टॉर्च लगाई ऊपर से नीचे तक, पहली बार ऐसा मेरे को जो दर्द का एक होता है ना कि हाँ गुरु जी प्रत्यक्ष मतलब प्रमाण की जरूरत नहीं होता है, मुझे ऐसा लगा कि उसी समय दर्द शरीर से पूरे पाँव से गायब हो गए। बापू ने टर्च ऐसे ऊपर से नीचे तक किया। तो फिर बापू बोले चल तू गाड़ी में बैठ जा, आप तेरे गाड़ी में ले चलूँगा। तो बापू जी से मैंने कहा नहीं बापू जी मैं चल, आप कहिए तो मैं 10 बार दौड़ जाऊँगा, पूरा चक्कर लगा लूँ। अरे पागल है, चल चल तेरे पाँव में लगा, बैठ जा ऊपर बैठ जा। फिर मैंने कहा नहीं बापू मैं चला जाऊँगा। फिर बापू बोले अब तू देख, जो ज़्यादा कहेगा तो अपने क्या नाम था इनका, अपने रणवीर भाई सेक्रेटरी वाले, तो बोले देख मैं रणवीर को बुलाऊँगा, फिर वो तेरे को अच्छे से बैठाएगा। बापू जी से बोले कि देख ले अब सुन सोच ले तू। मैंने जी बैठ रहा हूँ मैं। फिर वापस लरी पे बैठा। फिर बापू जी वापस, कृष्णा भाई बोले जी हम लेके चले जाएंगे। बोले तू रहने दे, तू नहीं, कोई नहीं, लरी कोई नहीं छुएगा, मैं इसको ले जाऊँगा। फिर बापू जी जैसे लरी उठाया, मुझे उस समय पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा, इतना रोना आ रहा था, इतना रो मतलब कि समझ भी नहीं आ रहा था कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। फिर अपने जो भी आश्रम में भाई बहन गए हैं, अपने थोड़ा आगे आते हैं गेट से बाहर, अपने कुटिया गेट से बाहर तो ट्रांसफार्मर है अपने, तो वहाँ पे मैंने सारे भाई, 3 भाई थे साथ में, सारी भाइयों को बोला मैंने कि भाई किसी को बोलना नहीं बापूजी को। मैं धीरे से उतर गया नीचे, वहाँ उतरा। फिर बापूजी ने एकदम लॉरी रोक दी। फिर बापूजी बोले किसके आज्ञा से नीचे उतरा? मैंने जी बापू मैं नहीं जाऊँगा, आप खींच रहे और मैं ऊपर बैठा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं जाना बापू। फिर बोले अरे तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए, बाप खींच रहा बेटा बैठा है। फिर मैंने कहा नहीं बापू आप कहिए, मैं 20 चक्कर लगा दूंगा पूरे आश्रम का। बोले तुझे मुझे वहाँ ले जाना है पंडाल में, चल बैठ जा, प्यार से बोलने लगे बापूजी। मैंने कहा नहीं बापू अब देख तू टाइम खराब कर रहा है, तू टाइम खराब देख सत्संग का सबका टाइम बिगड़ रहा है, चल तू बैठ जा। मैंने कहा नहीं बापू नहीं बैठूंगा, मैं भी जिद पकड़ लिया। फिर बोला अब तू लॉरी में नहीं बैठेगा, चल मेरे कंधे पे बैठ। फिर मैं देखा बापूजी मानेंगे नहीं, फिर 2-3 बार बापू से बोला नहीं बापूजी नहीं बैठूंगा। फिर नहीं बैठेगा तेरे को उठा के फिर जगह बैठाऊंगा। फिर मैंने कहा जी लॉरी में बैठ रहा हूँ मैं।
फिर वापस लॉरी में बैठा मैं। उसके बाद में जब बापूजी वहाँ से ले गए पंडाल में, सुरेश आनंद जी तो वहाँ से व्यासपीठ से उतर के आ गए नीचे, और किसी को बापू ने लॉरी छूने नहीं दिया। आप सोचिए 300 किलो वजन उस लॉरी में था, सीमेंट थे, रेत था और फावड़े तगाड़ी थे, और उस पर मैं अकेले बापूजी वहाँ से खींच के ले गए। उसके बाद में भी सुरेश आनंद जी आए, जब धक्का देने के लिए बोले सुरेश तू छोड़ दे, तू नहीं करे कुछ नहीं, कोई नहीं छुएगा लॉरी को, मैं ले जाऊँगा अकेला। और मैं उस समय इतना रोए जा रहा था, इतना रोए जा रहा था। फिर बापू जी बोले अरे नाम क्या है तेरा? मैंने कहा जी विजय। तो सुरेश आनंद जी बोले जी विजय नाम है इसका। फिर बापू बोले अरे विजय का जय लगाओ रे। बापू पंडाल में ले जा करके, और बहुत सारे लोग थे उस दिन, तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा कि हज़ार एक लोग होंगे। तो पंडाल में ले जा के बापू जी ने सत्संग भी सुनाई। फिर बापू जब पंडाल में ले गए, मैं ऊपर ही बैठा था, बापू लॉरी के उस पर हैंडल पर बैठ गए, फिर ऊपर बैठा मैं, तो बोले अरे तो ऊपर ही रहेगा नीचे उतर। जब मैं नीचे उतरा फिर बापू बोले कि अरे इसका मैं लामी करनी बेचना है, कौन खरीदेगा बोलो। फिर बापू जी ने बोला, ये सभी लोगों ने बोला जी हम सभी ने अपने अपने हाथ उठाए। फिर वापस बापू जी ने बोला कि चलो इसको बेचने के लिए लामी करते हैं। फिर बापू बोले कि 1 लाख, सभी ने हाथ उठाए। फिर वापस बापू जी बोले कि चलो 2 लाख, फिर सब ने हाथ उठाए। फिर बापू बोले 1 करोड़, ऐसे करके बापू बढ़ाते गए, फिर सब हाथ उठाते गए। फिर बापू बोले अरे इसको बेचना थोड़ी है, ये तो मेरा हीरा है। फिर बापू जी जब उस समय जो प्रेम जो भक्ति दिए, आज उसी कारण अपन आश्रम में टिके हुए हैं और सेवा साधना कर रहे हैं। हमारे सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि सभी लोग इसी तरह सेवा साधना ईमानदारी से करते रहे और ईश्वर के रास्ते चलते रहे, और गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास भक्ति बनाए रखें, और आपस में कलह ना करते हुए एक दूसरे से मिल करके सेवा साधना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साधो साधो साधो, ऐसा गुरु का प्रेम बहुत विरलों को नसीब होता है, क्योंकि गुरु का इतना सानिध्य है और गुरु का ये कहना कि तू तो मेरा हीरा है, तो ऐसा प्रेम सानिध्य हर शिष्य को मिले, यही गुरु चरणों में प्रार्थना है।